ये देखिए, ये है रियलमी का ईयरबड, और इसमें देखिए क्या हुआ कि ये वायर कट गया है इसका, और ये देखिए ये यहीं पर कटता ही है हमेशा, ये जो है ना अब जितना भी देखेंगे उसमें यह कट जाता है वायर, तो ये प्रॉब्लम आता ही रहता है। तो इसको रिपेयर करना हम लोग सीखेंगे, पहले हम लोग खोलेंगे इसको, कैसे खोलना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। देखिए यहाँ से कट गया, अक्वा यहाँ पर क्या किया जिसका है ये, वहाँ पर फेविक्विक डाल दिया है जिस वजह से वह थोड़ा सा टाइट हो गया है वो, देखिए ठीक है, तो वो टाइट पपड़ी बन गया है। और इस जगह पर क्या देखिए पिन से हटाना पड़ेगा पहले, अगर जब खोलना है तो यहाँ फेविक्विक तो डालना ही नहीं चाहिए पहले, पपड़ी बनता है उससे कोई और फ़ायदा होता नहीं है, तो ये जो इसको हटाना पड़ेगा। और उसके बाद ये देखिए ये जो वर्क कर रहा है अभी फ़िलहाल, वायर पूरा कटा नहीं है, आवाज़ नहीं आ रहा सिर्फ, लेकिन ये सेंसर काम कर रहा है, तो सेंसर काम कर रहा है तो उसके बाद ये, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा तो खोल के इसको बनाना ही होगा। तो एक बटन को खोलने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर ना थीनर डालना पड़ता है, या स्पिरिट आपके पास में जो होगा वो डाल सकते हैं, क्योंकि हल्का हल्का यहाँ पे ग्लू रहता है ऐसे, इसमें ज़्यादा ग्लू नहीं रहता, हल्का सा रहता है तो छूट जाएगा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं बिना ये डाले हुए, लेकिन फिर भी मेरे पास में तो मैं डाल दे रहा हूँ ठीक है, कि निकल जाए आसानी से। वैसे इसको डाल के कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं फिर भी, लेकिन यहाँ पर डाल के इसको निकाल सकते हैं ठीक। तो डालने से क्या होता है, हल्का सा लूज हो जाएगा, ग्लू रिमूव कर सकता है ये, ऐसे एक ग्लू रिमूवर भी आता है वो आप डाल सकते हैं, तो वो क्या करता है कि ग्लू को थोड़ा लूज़ कर देता है, उससे निकल जाता है, लेकिन ये चिपका हुआ ज़्यादा नहीं रहता है, ये फंसा हुआ रहता है अंदर में, लॉक रहता है इसका। तो एक पिन लेना है, पिन से आपको इसको जो है थोड़ा सा लगा के मतलब निकाल देना है, देखिए ये ऐसे नहीं निकलेगा, पिन से ही निकलेगा ठीक है। तो पिन से हल्का सा उसको साइड से दबा के उसको बाहर निकालिएगा, वो निकल जाएगा ठीक है। तो ये देखिए ये इसको हल्का सा डाल के और ऊपर करेंगे तो ये बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि लॉक रहता है दोनों साइड लॉक रहता है इसका, तो वो देखिए ये निकल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ खोलने का दिखाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसको रिपेयर कैसे करना है वो दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो लंबा हो जाएगा। देखिए निकल गया किस प्रकार से, हल्का सा लॉक में फंसा हुआ रहता है, वो दिखेगा भी नहीं, हल्का सा लॉक के नीचे ट्रांसपेरेंट टाइप का, वो टूटना नहीं चाहिए ठीक है। तो उसी प्रकार से ये नीचे वाला को भी निकाल देना चाहिए ठीक। तो ये नीचे निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको भी सेम उसी प्रकार से इसको निकालना पड़ेगा डाल के ठीक है। देखिए ये निकला और हल्का सा मतलब उकसाइए ऊपर, वो बाहर निकल जाएगा ठीक। ये भी लॉक से ही रहता है, चिपका हुआ नहीं रहता कुछ, साइड में हल्का हल्का ग्लू रहता है इसीलिए मैंने बता दिया, बीच में रहता है वो जगह में चिपका रहता है हल्का हल्का ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये निकल गया है, और बाकी का खोलने के लिए क्या करना होगा, इसका इसमें ना अंदर में ग्लू रहता है थोड़ा सा, तो उसको ना हल्का सा आपको ये पिन से, देखिए ये जैक के पास में ज़्यादा रहता है, जहाँ से इसको लगता है कि लीक होगा पानी, वहाँ पे ये लगा रहता है ग्लू, कि ग्लू लगे रहने से क्या होता है कि पानी अंदर नहीं जाएगा, स्वेट प्रूफ बनाता है ये लोग, तो वो वहाँ पर से भी रिमूव करना है। उसके बाद फिर देखिए इसको खोलने के लिए भी साइड से हल्का सा करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, उखाड़ देना पड़ता है, ऊपर तक नहीं रहता इसका ग्लू लगा हुआ ठीक है। तो इसको एक चिकना टाइप का कुछ लीजिएगा, उससे निकालिए, नुकीला चीज़ से निकालिएगा तो फट सकता है, फट जाएगा तो फिर वहाँ पर फटाफटा दिखेगा, इससे बढ़िया कुछ चिकना चीज़ से उसको डालिए। देखिए ऐसे मेरा ये चिमटा भी चिकना है, और वो स्क्रू ड्राइवर भी चिकना था, देखिए है ना निकल रहा, और निकल निकल के देखिए हल्का सा उठाइएगा तो अपने आप उखड़ने लगता है ठीक है। तो ये निकल गया, देखिए अब इसको ऊपर कर लेंगे हल्का सा, ये रबड़ को ऊपर कर लेते हैं, और मतलब ये एक्चुअली में ये सिलिकॉन से बना हुआ लगता है देखने में, और हल्का सा फटेगा तो चिपकता भी नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि इसको हम लोग को निकालना होगा, तो ये पूरा जो रहता है वो अंदर में उसमें स्क्रू से टाइट रहता है, स्क्रू और लॉक से, स्क्रू और लॉक से टाइट रहता है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर थोड़ा ग्लू भी रहता है तो थोड़ा सा इसको लगा देते हैं, हल्का सा अंदर चल जाएगा तो वो ग्लू को थोड़ा लूज़ कर देगा ठीक है। ये स्पिरिट है, इसको डाल देते हैं, हल्का सा भी अंदर चल जाएगा तो ग्लू को लूज़ कर देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है। तो ये देखिए ये मस्त एकदम लग गया है, नहीं भी लगाएगा तो भी उखड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी लगा देने से थोड़ा सा फ़ायदा होता है ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ना हल्का सा ग्लू में चिपका रहता है, लेकिन वो अंदर तक पूरा साथ में ही रहता है, वो जो अंदर में इसका घुसा हुआ प्लास्टिक के अंदर केस में किट वो रहता है साथ में, तो ये तोड़ के निकालना पड़ता है। एक्चुअली में निकलेगा नहीं, इसको तोड़ के निकालना पड़ेगा, वो स्क्रू जहाँ लगा रहता है उससे टूट के बाहर निकलेगा ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देखिए दबा के और हल्का सा उसको टिल्ट करेंगे, वो टूट जाएगा वहाँ से और बाहर निकल जाएगा। तो यहीं पर से देखिए मुड़ रहा है और ये टूट के निकलेगा ही, मतलब
डायरेक्ट पूरा निकालना तो मुश्किल ही है क्योंकि पूरा अंदर से ग्लू में रहता है, इसलिए ये टूट के यहाँ पर से निकलेगा। बाद में फिर इसको आप सेट कर सकते हैं, मैं दिखा दूँगा किस तरह से करना है। तो ये देखिए, इसको दबा के हल्का सा इसको तोड़ के ही निकाल लीजिए। अभी देख के समझ में नहीं आ रहा है कैसे, अब लग रहा होगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसे निकल जाएगा। टूट मतलब दो स्क्रू रहता है, वो स्क्रू को तोड़ते हुए निकल जाएगा, स्क्रू वहीं लगा रहता है। ठीक है, देखिए ये निकल गया। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये दो, एक साइड लॉक है और एक साइड उस साइड में स्क्रू लगा हुआ दो ठो, तो स्क्रू को खोल के दोबारा टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निकल गया इस प्रकार से। अब देखिए क्या करना होगा कि यहाँ देखिए इस हल्का सा मैं फंसा था। ठीक है, तो अब क्या करना होगा कि यहाँ पे नीचे में उसका ग्लू को थोड़ा सा लूज़ करके पीछे से ढकेलेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो चारों तरफ से आपको दिखा दिए हम किस प्रकार से करना है इसको। ये वाला मैंने देखा बहुत सारे लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो तोड़ना नहीं है इसको, कैसे स्मूथली निकालना वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अब इसको क्या करेंगे, पीछे से थोड़ा सा मतलब ग्लू को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं जहाँ पे वहाँ पे किसी ने मतलब जिसका है वो फेविक्विक से इसको चिपका दिया था, सोचा कि वायर भी चिपक जाएगा, लेकिन वैसा तो होगा नहीं। तो इसको हम लोग कर लेते हैं रिमूव और हल्का सा ढकेलेंगे तो आगे से निकल जाएगा। वहाँ का भी जो ग्लू रहता है साइड साइड में हल्का हल्का ग्लू रहता है, ठीक है, वो सिलिकॉन ग्लू रहता है, वो गर्मी से भी अपने आप भी चिपका रहता है। तो थोड़ा सा उसको अलग कर देते हैं पिन से। देखिए नज़दीक से आपको दिखेगा, अगर आप पिन डालेंगे तो दिखेगा, उससे क्या होता है वाटर अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो अब यहाँ हल्का हल्का क्लीन करना पड़ेगा, यहाँ भी हल्का सा ग्लू रहता है ऊपर में। मैंने पहले भी दूसरा ईयरफोन खोला हुआ है तो मुझे पता है ये चीज़, उसका ही वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा आप। वो भी उसमें भी मैंने अच्छे से बताया, वो भी रियल मी का लेकिन वो मेटल बॉडी वाला है, उसको कैसे खोलना है वो भी मैंने बता दिया। तो इसका देखिए यहाँ पर हल्का सा ग्लू है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो आगे घसकेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो कर लेना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से अलग करना है बढ़िया से। ठीक है, तो ये देखिए अलग हो गया हल्का, और इसको अभी पीछे से हम लोग ढकेलेंगे तो बाहर से निकल जाएगा, बाहर से निकल जाएगा ढकेलने से। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा डालते हैं पीछे से, ये देखिए हल्का सा ही मतलब हल्का सा प्रेस किया उससे वो बाहर निकल गया है। अब बाहर निकल गया है तो ये देखिए इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ग्लू है ना हल्का सा, इसी से चिपका रहता है ये, अगर इसको अलग नहीं कीजिएगा ना पिन विन से तो वो बाहर फेंकता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा हम लोगों को कि यहाँ देखिए बटन यहाँ भी हल्का हल्का रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, इसके ऊपर ही ग्लू बटन के साथ में चिपका रहता था। ये देखिए यहाँ पर स्क्रू टाइट जो होता है ना वो बाहर निकल गया टूट के, वो दिख रहा होगा आपको, दो स्क्रू यहाँ पे दोनों साइड वो निकल गया टूट के। तो वो आपको फिर से यहाँ स्क्रू खोल के वहाँ रख के फिर टाइट कर दिया, टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जब लगाएंगे तो वो जो मैं रिपेयर करके लगाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। फिलहाल इसको खोलते कैसे वो देखिए, इसको खोलने के लिए साइड साइड से पिन से आपको इसको प्रेस करके उठाना पड़ेगा जिससे कि ये खुल के बाहर निकल जाए आराम से। ठीक है, तो ये देखिए ये इस प्रकार से खुल गया है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। अब पहले तो बहुत मेहनत करना पड़ता है जब तक वो खुलता नहीं है, तो ये पिन से हल्का हल्का करके और नाखून से या कुछ भी चिकना चीज़ से उसको इस तरह से कीजिएगा तो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये देखिए ये अलग हो रहा है दोनों ऊपर और नीचे का, दोनों को अलग करने के बाद हम लोग उसको रिपेयर करेंगे, पहले खोल लेते हैं। देखिए इस प्रकार से इसको खोलना है, क्या होता है चिपका हुआ रहता है बहुत जगह से, तो उसको थोड़ा सा हटा हटा के आपको खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए ये खुल गया है, अच्छे तरीके से खुला है। ठीक है, तो ये देखिए ये आराम से मतलब नहीं भी निकले आराम से तो टूट जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है, निकलते निकलते ये वाला उसमें रहता है वो उसका सॉकेट, तो अगर निकल जाएगा तो चिपका सकते हैं, बाहर वाला को कुछ नहीं होना चाहिए, ख़राब दिखेगा फिर। ठीक है, तो ये देखिए इसको निकालना, और इसको निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इसको थोड़ा ठीक कर लेना क्योंकि वो थोड़ा सा टाइट करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये अलग चीज़ को रख देते हैं साइड में, बाद में इससे जो करना होगा करेंगे। ठीक है, तो ये दिख रहा है इस प्रकार से, अब देखिए इसको रख लेते हैं थोड़ा सा मतलब कि बोरिंग ना हो, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया सिर्फ खोलने का, नेक्स्ट वीडियो में रिपेयर करने का होगा। इसको यहाँ खोलना भी थोड़ा सा कठिन है, इसको निकालिएगा जब भी ना तो ऐसे नहीं निकालना है क्योंकि अंदर में जो बटन है उसका रिबन कट जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसको अलग करके ही निकालना पड़ता है। ठीक, देखिए इसको देखिए यहाँ लॉक है वो दिखा रहे मैं। ठीक, तो इसका अब ये वो अलग है दोनों, तो ऑन है ये वाला, तो लाइट भी जल रहा था।
ठीक है, इसको हम लोग अलग करके काट के और ना उसको जोड़ना। देखिए इस प्रकार से मैंने रिपेयर किया है, थोड़ा सा मैं वीडियो दिखा दे रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से मैंने रिपेयर किया है। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सीख लिया होगा कि इसको खोलना कैसे, वो तो आप सीख लिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रिपेयर कैसे करना है, कटिंग कहाँ से करना है वो दिखाऊंगा। इस प्रकार से इसको रिपेयर करना पड़ता है। अगर आपके पास में थर्ड हैंड है जिससे ये किट को पकड़ सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन नहीं है तो इस प्रकार से फंसा के मैं कर रहा था, तो देख सकते हैं ठीक है। लेकिन इसको खोलना कैसे नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आपको आपके लिए, इसलिए आप उसका इंतजार कीजिए। आपको मैं वो वीडियो दे दूंगा जिससे कि आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको पूरा रिपेयर करना है। देखिए लाइट जल रहा है, मतलब ये ऑन हो गया बैटरी कनेक्शन के थे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जाते जाते, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए।